नए संसद भवन में प्रवेश करने के साथ ही पीएम मोदी ने 2024 को लेकर विजय दाव चल दिया है। एक ऐसा दाव जिसके माध्यम से भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 करोड़ महिलाओं को साधने की तैयारी कर रही है और ये दाव भी ऐसा है जिसे लेकर विपक्ष भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। यानी ये एक ऐसा दाव है जिसमें विपक्षी खेमे के पास नाखुशी मौका तक नहीं है कि वो नाखुशी जाहिर कर सके। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कर दिया गया है और इसको लेकर अब श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि इवेंट क्रिएट करने वाली सरकार इतने इंपोर्टेंट दिन को और इतने इंपोर्टेंट बिल को जो है श्रेय किसी के साथ शेयर कर ले। हर बात का क्रेडिट अपनी सरकार को देने वाले साहब ये क्रेडिट कैसे किसी को दे सकते हैं भला, तो ऐसा हो नहीं सकता। खैर दोस्तों, भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में पूरे 9 साल इस पर चुप्पी साधे रखी और अब दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में जब 2024 के चुनाव सर पर है तो वो इसे लोकसभा में पास करा के अपना श्रेय लेना चाहती है कि भाई जो किया जो कोई नहीं कर सका वो हमने कर दिखाया। इस तरह उधर कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह नहीं है बल्कि हैरानी की बात यह है कि संसद के जिस विशेष सत्र को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में ये होगा, भारत का नाम बदला जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाया जाएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा, तरह तरह की बातें कही जा रही थी, कई सवाल उठ रहे थे संसद के इस विशेष सत्र को लेकर। लेकिन दोस्तों, बात सामने आई कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई जो कि पिछले 27 सालों से संसद के इर्द गिर्द घूम रहा था। जी हाँ दोस्तों, पिछले 27 सालों से। आपको बता दें कि इसी 12 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को 27 साल पूरे हो चुके हैं और 12 सितंबर 1986 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा था और यह था 81वां संविधान संशोधन विधेयक और इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना था। देवगौड़ा की सरकार के बाद लगभग हर सरकार ने इससे पास कराने की कोशिश की लेकिन ये पास नहीं हो सका किसी वजह से। दोस्तों, यूपी सरकार 2010 में राज्यसभा में इस बिल को लेकर आई थी और पारित कराने में सफल रही लेकिन ये विधेयक लोकसभा में लटक गया था और अब मोदी सरकार इसमें कुछ परिवर्तन करके संसद में लेकर आई और इसे पास करवा दिया और अपना महिमा मंडन भी करवा दिया कि हमने ये किया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने मुझे इतने पवित्र काम करने के लिए चुना है। खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री की आदत है कि वो हर काम का क्रेडिट खुद ही लेते हैं लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर हर सरकार ने जद्दोजहद की थी लेकिन वो सफल ना हो सकी। दोस्तों, बात करें महिला आरक्षण बिल की तो ये ना केवल देश की जरूरत है बल्कि आवाज भी है। हर हाल में ये बिल पास होना चाहिए था, हालांकि इसको थोड़ी देर लगी लेकिन अब हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नई संसद में पहला विधेयक महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तो पेश किया है, तो सवाल यह है कि इस बिल पर क्या होगा, इस बिल से क्या मिलेगा महिलाओं को। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि बिल लाने से साफ तौर पर मोदी सरकार की मंशा साफ हो गई है कि महिला आरक्षण बिल 2029 में ही लागू होगा क्योंकि पहले जनगणना होगी, फिर सीटों का परिसीमन होगा और तब कहीं जाकर बिल प्रयोग में आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में यह मुद्दा लाया गया और क्यों इस विशेष सत्र को बुलाया गया, क्यों इतना नाटक किया गया। तो इसका सीधा सा जवाब लोकसभा चुनाव 2024 है दोस्तों, उसकी तैयारी करना। जी हाँ दोस्तों, जो काम मोदी सरकार पिछले 9 सालों में नहीं कर सकी वो सिर्फ एक जो है वोट बैंक बनाने के लिए कर दिया, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रहा है जो कि लाजमी है। दोस्तों, आगे आपको बताऊंगी कि विपक्ष इस पर क्या कहता है लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि महिला आरक्षण बिल क्या है और क्यों इसकी जरूरत है हमारे देश को। बीते 27 सालों से चर्चा में बने हुए महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कहा गया है। मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है जो एक तरह से कुल सांसदों तक का सिर्फ 14% है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 32 है जबकि कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम देखा जाता है। दोस्तों, अब बात इसकी जरूरत की कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों है। महिला आरक्षण बिल आज के समय की जरूरत है, इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं में, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने के साथ देश में सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी भी दर्ज की जाएगी, यानी कि एक समानता आएगी। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इस पर सही दिशा में नहीं है। मोदी सरकार ने सिर्फ बिल को पेश किया है, इस पर मोहर 2029 में कहीं जाकर लगेगी, जो कि महिलाओं के साथ धोखा है और सिर्फ अपना वोट बैंक साधना है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला विधायक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की भलाई और कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। तो क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी को समझाया है। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक जुमला फेंका है और कुछ नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी विधायक में जनगणना और परिसीमन की शर्तों पर सवाल उठाया है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए। इसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि ये तुरंत लागू होगा, लेकिन बिल में ये लिखा है कि ये परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये आरक्षण 2029 तक लागू नहीं हो सकता, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है। तो दोस्तों, महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों और इसके पूरे टेक्निकल को लेकर विपक्ष को सवाल करना बिल्कुल लाजमी है। तो आप इस बिल पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत टॉप पर।